ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पर अपने फॉर्मूले वही दो हैं जो हमेशा लगेंगे। तो ये सम का फॉर्मूला है और बोल रखा है द सम ऑफ एनी टर्म, मतलब सम की वैल्यू ये दे रखी है 2n2 + 5 है, ये दे रखी है। तो अगर ये Sn की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, Sn की वैल्यू 2n2 + 5, तो हम फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट ही होगा, तो n की जगह 1 डालें तो 7 हो जाएगा। चलो सेकंड टर्म और निकाल देते हैं ताकि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके हम उसका d निकाल सकें। तो सेकंड टर्म n की जगह 2 डालें तो 4 × 8 और 10 × 18, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ये a1 हो, फर्स्ट टर्म हो गया, a मिल गया हमें 7 और a फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का हमें ये सम मिल गया 18। तो फर्स्ट टर्म अगर 7 है तो सेकंड टर्म का सम 18 है, तो सेकंड टर्म यहाँ से 18 - 7 11 हो गया। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 7 और सेकंड टर्म मिल गया 11, तो हम d निकाल सकते हैं, ठीक है, d निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। तो d हो गया 11 - 7 4, तो d मिल गया, a मिल गया। अब हमें पूछ रहा है nth टर्म, तो हमारा फॉर्मूला पता है a + n - 1d, तो a क्या अपना 7 + n - 1 d हमने निकाल दिया 4। बस ये हमें सॉल्व करना था, कर दिया हमने।